तो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ये जो ब्लॉग है काफ़ी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे आलू का रिएक्शन, क्योंकि आज जीजू की जो है छुट्टी ख़त्म हो गई है और जीजू को छोड़ने जा रहा हूँ मैं स्टेशन, और मैं भी जो स्टेशन है काफ़ी देर बाद जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, आज का ये ब्लॉग काफ़ी मस्त होने वाला है। तो चलो घर से अभी निकल गए हैं। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है कि जो तो हमारे चैनल पे पहले से हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट किया करो, और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको जो है हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो मिलते हैं सीधा आपको जीजू के घर जाके। तो गाइज अभी जो है मैं पहुंच चुका हूँ जीजू उनके घर, और जीजू की जो ट्रेन है वो है 7:15 पर, और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं शायद, तो हमें भी 1 घंटा लग ही जाएगा। तो चलो जल्दी से अंदर चलता हूँ और फिर चलते हैं स्टेशन पर, फिर आपसे मिलते हैं। पर उससे पहले आपको आरू का रिएक्शन ज़रूर दिखा के जाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल आरू जो है बाहर खेल रही है आराम से, क्योंकि मेरे को लग रहा है उसको पता नहीं होगा अभी कि पापा की जो छुट्टी है वो ख़त्म हो गई है। तो चलो चलते हैं अंदर, फिर मिलते हैं। तैयारी हो गई है वापस जाने की। पापा कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी, कहाँ जा रहे हैं पापा? आरू तेरी थोड़ी है। छुट्टी खत्म हो गई अब। पापा ड्यूटी नहीं जाना? करो हाथ जोड़ के मैं। तो जाने से पहले एक काम बहुत जरूरी होता है माथा टेकना। तो पहले माथा टेक के फिर चलेंगे स्टेशन की तरफ। चप्पल डाल के तो नहीं गई अंदर? गजब बेइज्जती है। तेरे को नहीं लेके जाना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पापा जा रहा है छुट्टी। ओ माय वीडियो बन रही है। बन रही है।
बोल रहा है। गंदी बच्ची है। जा रो 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 तो पापा लेट हो रहे हैं। यार होती रह ये देख ले। क्या करें, घर से जाने का मन तो नहीं करता किसी का भी, पर चलो चलते हैं अब। तो गाइस अभी हम जो है निकल गए हैं घर से, पर लेट भी हो गया, तो अभी हम आपको सीधा मिलते हैं स्टेशन पे जाकर। तो गाइज़ अगर किसी को पता है कि ये रेलवे स्टेशन पे क्यों बनाया हुआ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो आज तक इसकी समझ नहीं आई ये क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे। तो गाइज़ फाइनली मैं भी जो है अंदर आ चुका हूँ। जीजू गया दूसरा पुराने वाले एंट्रेंस से, मैं आया न्यू वाले से, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं लगाने देते, तो मैं आगे पार्किंग में लगा के आया हूँ। तो ये है हमारे जम्मू का रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन तो लगी है उस तरफ, पता नहीं अब जीजू की ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आनी है, मेरे को ये भी नहीं पता कहाँ पे, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ उनको। गाइस ये जो मैं आपको ट्रेन बता रहा था, यही वाली ट्रेन में जीजू भी बैठे हैं, यही ट्रेन है उनकी भी, वो बैठे हैं S5 में। S5 चलते हैं अंदर। तो गाइस काफ़ी देर से बैठा हुआ था, अब चलता हूँ घर पे, ट्रेन चलने वाली है जल्दी, हम भी ट्रेन का सफ़र करने वाले हैं, तो फिर आपको दिखाएंगे वो पूरा ब्लॉग। तो गाइस अभी जीजू को जो है मैंने छोड़ दिया, जीजू को बैठ गए और मौसम जो है बड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया, और मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ, बारिश आ जाएगी शायद थोड़ी देर में ही, तो चलो चलता हूँ घर पे। तो गाइस जीजू की जो ट्रेन है वो निकल पड़ी है यहाँ से, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं आपको मौसम दिखा दूँ एक बार। गाइस जब मैं घर से निकला था ना जीजू को लेके, तो इतनी धूप थी कसम से, और अभी देखो मौसम एकदम से बारिश वाला मौसम हो गया है, और हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट भी हो गई है। ये देखो हल्की हल्की बूंदे आपको दिख रही होंगी शीशे पे, एकदम से बड़ा ज्यादा मौसम खराब हो गया यार, बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, इतनी ज्यादा बिजली चमक रही है ना, क्या बताऊं मैं आपको।
देखो इतनी ज्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है ना अभी, पर चलो अच्छा भी है, दोपहर को इतनी गर्मी हो गई थी ना आज, और जब मैं जीजू को लेके आया ना स्टेशन उस टाइम पे भी इतनी धूप थी। चलो मौसम ठंडा हो जाएगा अभी, ये तो है, दो चार दिन अच्छे निकल जाएंगे। ओ भाई एकदम से इतनी तेज बारिश, बारिश तक तो ठीक था, बर्फ के गोले पड़ रहे हैं अब। तो लो जम्मू में भी बर्फ पड़ना शुरू हो गई है आज। भाई कश्मीर में जो बर्फ पड़ती है वो तो हल्की बर्फ पड़ती है, हमारे जम्मू में जो बर्फ पड़ती है ना ओले पड़ते हैं बर्फ के, इतनी मोटी मोटी बर्फ पड़ती है। नहीं, मैं नहीं मानता। गाइस आपको आवाज तो सुनाई दे ही रही होगी बारिश की, कितनी आवाज है बारिश की, आवाज सुन के आप खुद अंदाजा लगा लो कि बारिश कितनी तेज हो रही होगी। गाइस इतनी ज्यादा धूप थी ना जब मैं घर से निकला था, और अब देखो कितना ज्यादा अंधेरा हो गया, और बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही है कि आगे दिख नहीं रहा मेरे को अच्छे से। तो गाइस ये देखो अभी अंकल मेरे को हैंडमेड इंडिकेटर दे रहे हैं। गाइस अभी जो है घर पहुंच चुका हूँ, टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया अब, तो जल्दी से चलते हैं अब अंदर। तो गाइस अभी जो है भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो खाना वाना खा लेते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ऐसे ही और मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए बाय बाय।